जिसको भी आप शब्द से परेशानी हो या आप शब्दों से एलर्जी हो, कृपया अगर इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि मैं तुम चंद लोगों की वजह से यार अपनी फीलिंग्स दबा के नहीं रख सकता जो इन लोगों के लिए है, ठीक है, इन लोगों के लिए मतलब जो वीडियो में आगे तुम्हें दिखने वाला है। तो भाई कृपया करना मेरी वीडियो से निकल जाओ, बाद में कमेंट करके ये मत देना बोलना भाई तुम तो बहुत गालियां देते हो या तुम तो ऐसे हो कि तुम तो 9 दिनों के लिए सिर्फ ऐसे बन गए थे भक्त और बाकी के दिन दोबारा औकात दिखा दी। भाई मैं ऐसा ही हूं और मुझे अपने आप पर गर्व है, तो तुम जैसे चूतियों की मुझे जरूरत नहीं है। और निकल जाओ भाई पहली फुर्सत में, वीडियो को देखना मत इससे आगे, चलो निकलो। और भाई हाँ, जो समझदार लोग है वो कृपया इस वीडियो को पूरी देखना, ठीक है, और अगर मेरी बात से डिसएग्री करो तो भले ही कमेंट में गालियां बक देना मुझे। आइए देखते हैं बैठचंद, मजा आएगा। ऐसे आप सभी लोग, तो बिग बॉस 17 आ चुका है और इस बार मैं किसी को सपोर्ट करने नहीं आया। आप लोगों को लग रहा होगा कि जैसे मैंने बिग बॉस OTT में एलविस यादव को सपोर्ट किया, वैसे ही दोबारा किसी न किसी को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बस बताना चाहता हूँ बिग बॉस 17 में कौन कौन कंटेस्टेंट है। पहला है अनुराग डोभाल, AKA बाबू भैया द UK 07 राइडर के नाम से, जो फेमस है। दूसरा है तहलका प्रैंक, हाँ, जो तहलका प्रैंक के नाम से फेमस है, और वही, हाँ वही वही जो तुम समझ रहे हो, जिसकी वाइफ उसको अनगिनत गालियां देती है, अनगिनत बेइज्जती करती है और ऐसे चूतिया चूतिया प्रैंक करते हैं, ऐसे चूतिया चूतिया वीडियो बनाते हैं, वही। और उसके बाद फिर आती है अंकिता लोखंडे, और भी बहुत सारे चूतिया चूतिया कंटेस्टेंट है। और हाँ, मुनावर फारूकी भी है, वही मुनावर फारूकी जिसको आप सभी अभी बहुत पसंद कर रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिया घरा है, और रामजी रामजी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है रामजी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं है। एंड अगर सीता ने सुन लिया, सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। सीता को तो माधुरी में पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। और एक बात ध्यान रखना, ये वही मुनावर फारूकी है जिस भैंके लोड़े ने हमारे देवी देवताओं का हमेशा मजाक उड़ाया, और जो भोसड़ी वाला कभी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटा है। ये वही मुनावर फारूकी है जिसने सीता माता और श्री राम भगवान के बारे में इतने अपशब्द कहे थे। और इस जैसे और स्टैंड अप कॉमेडियन है जो भैंके लंड अपने स्टैंड अप कॉमेडी के जोक्स के चक्कर में हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, और फिर भी आप अंध भक्तों की तरह ऐसे चूतिया लोग हो जो इन जैसे मादर चोदों को सपोर्ट करते हो। मैं कुछ दिनों से देख रहा था इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स वायरल हो रही थी कि मुनावर फारूकी ये, मुनावर फारूकी वो, मुनावर फारूकी ये किया, लंड किया मुनावर फारूकी ने, भैंड का लोड़ा है वो। और तुम जैसे मादर चोद लोग ही हो जो इन जैसे भड़वों को इतनी शह देते हो कि ये भैंड के लंड 10,000 लोगों के सामने खड़े होकर स्टेज पे हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा सके। एक हिंदू ही ऐसा चूतिया इंसान है जो अपने धर्म के लिए कभी स्टैंड नहीं लेता। तुम जैसे चूतिये लोग ही इन जैसे मादर चोदों को इतनी हिम्मत देते हैं कि ये सरेआम खड़े होकर माइक पे, नेशनल TV पे या नेशनल स्टेज पे खड़े होके हमारे देवी देवताओं के बारे में इतने अपशब्द बोल सके। अगर किसी की गांड में था मैं तो इनके धर्म के बारे में कोई बोल के दिखा दो, फिर देखना इनकी एकता कैसे जागती है। लेकिन वो एकता तुम्हारी गांड में नहीं है, तुम चूतिये हो और चूतिये रहोगे। जब तक तुम इन मादर चोदों को सपोर्ट करते रहोगे ना, ये तुम्हारा ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे और तुम उड़वाते रहोगे, समझ गए? तो भोसड़ी वालों जागो, इन जैसे मादर चोदों को सपोर्ट करना बंद करो। और पूरा बॉलीवुड इस भैंड के लोड़े की इमेज को सुधारने में लगा हुआ है, पूरा बॉलीवुड। इसने जब वो बयान दिया था, इसके ऊपर केस हुआ, कॉन्ट्रोवर्सी हुई, उसके बाद इसको रियलिटी शोज मिलने लग गए, इंटरव्यू होने लग गए, और न्यूज वाले भी भैंड के लंड ऐसे चूती है इसको इतना सॉफ्ट करके दिखाते हैं, तुम सोच रहे हो किसको अचानक क्या हो गया, ये इतनी गालियां क्यों दे रहा है। भाई जब इन जैसे चूतियों को सब कुछ पता होने के बाद भी हमारी देश की जनता सपोर्ट करती है ना, तो भाई साहब बहुत गुस्सा आता है। और ये तो मैं कुछ गालियां नहीं दे रहा हूं, अगर सामने कभी तुम मिलो ना मुझसे, या ये दल्ला मुझे मिला, तो इस मादर चोत को मैं इतनी गंदी गंदी गालियां दूंगा ना, इस दल्ले ने कभी सोची नहीं होगी। अगली बार ये राम भगवान का नाम मुंह से निकालने से पहले ना अपनी 7 पुस्तों को याद कर लेगा। लेकिन क्या फायदा,
जब तक तुम जैसे चूतिए लोग है इनका सपोर्ट करने के लिए, इनको जिताने के लिए, तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो अपनी तरफ से क्लियर हूँ, तुम्हारा पता नहीं। अगर अभी भी कुछ शर्म कुछ बाकी है तो जाग जाओ। जय श्री राम, जय हिंद।